इस पैंडेमिक ने सिर्फ इकोनॉमी को ही नहीं हिलाया, हिला दिया कई परिवारों के नींव, छीन लिया अपनों का साया, कर दिया अनाथ हम में से कईयों को, तोड़ दिया सपने जो कभी पल ही रहे थे कुछ बड़ा करने का, घर का सहारा बनने का। सपने जो बिखर गए, टूट गए आकार लेने से पहले, कुछ सपने दब गए अचानक आई जिम्मेदारियों के बोझ तले। आज सब कुछ रुक गया है, हमारी एजुकेशन, हमारे काम, हम, हमारी सांसें, दूरियां पहले से ही ज्यादा बढ़ गई है, खासकर दिलों की। गंगा जो पहले पाप धोती थी, आज लाशें ढो रही है। इंसानियत कहीं दूर खड़ी छिपकर रो रही है। डेमोक्रेसी के चारों पैर लड़खड़ा रहे हैं और हमारे नेता अपनी जीत के लिए देश दांव पर लगा रहे हैं। इलाज के नाम पर अंगों का व्यापार तो कहीं रेप हो रहा है। सांसों के जद्दोजहद में अमीर गरीब हर कोई अपना खो रहा है। क्या इस तरह भारत को विश्वगुरु बना पाएंगे? जहां सेना, पुलिस, मजदूर, मालिक, किसान, अमीर गरीब, स्टूडेंट, व्यापारी सभी दुखी है, क्या ऐसा देश महान कहलाएगा? इस सब के बावजूद एक उम्मीद की किरण लिए कुछ लोग जो इंसानियत को अभी जिंदा रखे हैं, जो बची हुई सांसें दोबारा उठाने की इस बुरे वक्त में डटे रहने की हिम्मत है, जो मदद कर रहे हैं, चल रहे हैं दूसरों के लिए और तब तक मदद करते रहेंगे, चलते रहेंगे जब तक हम ये जंग जीत नहीं जाते।